गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर अगेन विद द न्यू चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, चैप्टर 12। सो हमारा न्यू चैप्टर है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, यानी उसको मापते हैं, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है। तो जैसे हमने क्लास फर्स्ट में सीखा था, मेजरमेंट क्या होता है? एक एग्जैक्ट साइज, किसी का एग्जैक्ट साइज क्या, उसका वेट कितना, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उस चीज़ को हम बोलते हैं मेजरमेंट। अब देखिए हम इसको कैसे कहते हैं। द लेंथ ऑफ योर डाइनिंग टेबल इज डैश हैंड स्पैन लॉन्ग, यानी हमारे डाइनिंग टेबल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं घर पे, ऐसे करके, और इसको हम बोलते हैं हैंड स्पैन। देखिए इसमें दिया गया है, इसको हम बोलते हैं हैंड स्पैन। जब हम ऐसे हाथ खोल के किसी चीज़ को मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं हैंड स्पैन। और फिर ऐसे करके जब मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिंगर्स, फिंगर्स से मेजर करना। जब अपने पैर से, पैर की लेंथ जितना मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं फुट स्पैन। और अपने कदमों से जब किसी चीज़ को, अपने स्टेप्स से जो हम मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं पेस। और जब हम अपने हाथ को जो है अपनी एल्बो से लेके अपनी फिंगर्स तक करते, इसको बोलते हैं हम क्यूबिट में मेजर करना किसी चीज़ को। तो इस तरह से ये सारे तरीके जो वो हैं जो हम घर पे यूज़ करते किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करने के लिए। फिर आती स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है लेंथ की। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है वो यूनिट जो क्या है, एक स्पेसिफाई है, और हमें जो है उसी का यूज़ करते हैं जब भी हम लेंथ के करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है यानी जो बनाई गई है, वो होती है मीटर लेंथ की। जो स्टैंडर्ड यूनिट है यानी, या फिर ISI ने जो इम्प्रूव या पूरे वर्ल्ड में जो बनाई गई है, वो होती है हमारी मीटर। तो जो मीटर है वो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। और इसको हम कैसे शो करते हैं, मीटर को हम शो करते हैं M से। और 1 मीटर में हमारे होते हैं 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम शो करते हैं CM से, सेंटीमीटर। इसको हम लिखते हैं CM और मीटर को लिखते हैं M। और 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। और ये आपको क्या करना है, याद करना है अच्छे से। फिर आता है हमारे पास स्केल। देखिए आपको ये क्वेश्चन करने हैं, इस है हमारा स्केल। हम स्केल से कैसे मेजरमेंट करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं स्केल से, तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे ये 0 लिखा है वहाँ से। यहाँ शुरू से स्टार्ट नहीं करेंगे, जहाँ से हमारी ये जो नंबरिंग है, लाइंस बनाई गई है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, और जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक हम उसको मेजर करते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ फुट यानी किसी के पैर की लेंथ क्या होती है, तो हम स्केल रख के पैर के पास फिर करेंगे, नोटबुक की करेंगे। तो देखिए हम ऐसे करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 15 यहाँ हो गई, फिर यहाँ से फिर करेंगे और ये होगी 14। तो 15 प्लस 14 हमारी जो है टेक्स्ट बुक की कितनी होगी, 29। तो इस तरह से हम जो ये सारे जो है मेजर करेंगे अपने स्केल से। फिर देखिए हमारे पास दी गई हैं कुछ शेप्स, फिगर। हमें क्या करना है, इनको मेजर करना है और लिखना है इनकी साइड्स कितनी। तो देखिए बिल्कुल आपको शुरू से स्टार्ट नहीं करना है, आपको 0 से करना है। तो हम जब 0 से करेंगे तो कितनी हुई, ये हुई हमारी 14.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ हाफ तक ही आया है, जो लंबी लाइन है बीच में ये 5 तक है, 4 से लेके 5 के बीच में जो आपको 10 वो मिलेंगी। और इसको मेजर करेंगे 0 से, ये हमारी हुई 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप अपने स्केल से मेजर करेंगे और इन सारी शेप्स पे लिखेंगे। और फिर सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है कि ये चीज़ मीटर में पाई जाती है या सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ इरेजर, इरेजर की लेंथ किस चीज़ में मेजर होती है, सेंटीमीटर में, क्योंकि वो क्या होता है, छोटा होता है। ये जो हमारे स्केल पे नंबरिंग होती है सारी होती है सेंटीमीटर में, मीटर इससे बहुत बड़ा होता है। देखिए 15 सेंटीमीटर का होता है टोटल। ट्री की हाइट, ट्री बहुत लंबा, तो उसकी हाइट किस चीज़ में हम मेजर करते हैं, मीटर में। टूथपेस्ट की, सेंटीमीटर में। कुएं की जो है डेप्थ ऑफ वेल यानी किसी भी कुएं की गहराई, वेल की गहराई को, इसकी डेप्थ को कि वो कितना नीचे तक है, तो उसको करते हैं मीटर में। बुक को हम देखते हैं तो वो सेंटीमीटर में, और बेड को मीटर में।
तो इस तरह से हम करते हैं। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।